मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब नीति के मामले में एक बार फिर सीबीआई ने उन्हें नोटिस भेज के पूछताछ के लिए तलब किया है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से पूछताछ में जाने से पहले समय मांगा। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बाकायदे सीबीआई से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें अभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाए, क्योंकि इस समय उनके ऊपर दिल्ली के वित्त मंत्री होने की जिम्मेदारी भी है और इस समय वो दिल्ली सरकार का बजट तैयार करने में व्यस्त हैं। इसलिए वो सीबीआई से उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें फिलहाल जो है फरवरी महीने के अंत तक छूट दे दी जाए। इसके बाद जब भी उन्हें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी वो सीबीआई के कार्यालय में पहुंच जाएंगे। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वह 24 घंटे इस वक्त बजट तैयार करने में व्यस्त है। उनकी यही कोशिश है कि फरवरी के अंत तक बजट तैयार हो जाए। वह बजट बनाने के बाद एक्साइज पॉलिसी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और सीबीआई के कार्यालय पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि फरवरी के बाद उन्हें कभी भी बुलाया जाएगा तो वो जरूर हाजिर होंगे और जाँच में सहयोग करेंगे। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पर पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूं। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूँ और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा, इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा। और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखा आपने, मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है और समय मांगा है कि उन्हें पहले दिल्ली सरकार के बजट को तैयार करने के लिए समय दे दिया जाए, उसके बाद वो सीबीआई के हर सवालों का जवाब देने के लिए सीबीआई के कार्यालय पहुंच जाएंगे जब भी उन्हें बुलाया जाएगा। तो मनीष सिसोदिया ने जैसे ही वक्त मांगा तो एक बार फिर बीजेपी जो है उनके ऊपर हमलावर हुई है। बीजेपी के नेता पूनेवाला ने ये कहा है कि सीबीआई से समय मांगना एक बहाना है, बल्कि खुद को जांच से बचाना है। पूनेवाला ने कहा कि पूरे शराब नीति को लेकर के जो सीबीआई उनसे सवाल करेगी, जो पूछताछ किए जाएंगे, उन सवालों से बचने के लिए मनीष सिसोदिया अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। आज मनीष सिसोदिया ने, सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया है शराब घोटाले में जांच के लिए, तो जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया। पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, उससे पहले अपने आप को ही क्लीन चिट देना, उससे पहले मामले को डाइवर्ट करना और उससे पहले जांच को प्रभावित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाना। और आज जब शराब घोटाले में बहुत सारे खुलासे हुए हैं तो बार बार जो लोग अपने आप को मासूम कहते हैं जांच से भाग रहे हैं। यदि आप मासूम हैं तो जांच में शामिल हो जाते, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच को कोर्ट से खारिज करवा देते, कॉश करवा देते। आज तक विजय नायर को बेल नहीं मिली है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि सत्येंद्र जैन भी जेल में है हवाला घोटाले को लेकर, उसमें भी कहा गया कि ये मासूम है, इनोसेंट है। शराब घोटाले पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अगर घोटाला हुआ ही नहीं तो पुरानी पॉलिसी
वापस क्यों ले आई और नवी पॉलिसी क्यों हटा दी गई, क्यों 2500 करोड़ का नुकसान हुआ ये आप ही के आरटीआई सरकार के आरटीआई ने कहा, और क्यों आज तक विजय नायर और शराब माफिया के लोगों को बेल नहीं मिली है, ये दिखाता है कि शराब घोटाले को दबाना है इसलिए जांच से सहयोग नहीं करना है और बजट एक बहाना है। गौरतलब है कि शराब नीति को लेकर के दिल्ली में काफ़ी हंगामा देखने को मिला था, जब आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे और काफ़ी बयानबाजी भी देखने को मिली थी केजरीवाल सरकार को घेरने की। इस शराब नीति के चलते बीजेपी ने लगातार कोशिश की थी और आरोप भी लगाए गए थे, पैसे के घोटाले को बड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद ये मामला CBI तक पहुँचा था और CBI जो है इसके पहले भी मनीष सिसोदिया से इस मामले पर पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में एक बार फिर जब CBI ने उनको बुलाया तो अब मनीष सिसोदिया ने वक्त मांगा है, जिसके बाद एक बार फिर इस बयान पर, मनीष सिसोदिया के बयान पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी खबर पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।